हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल टॉक क्राइडर। तो गाइस कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइस आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ एक और नई यूट्यूब वीडियो। तो आज मैं काफ़ी दिनों बाद आपके लिए वीडियो लेके आ रहा हूँ, क्योंकि यार कुछ हालात ही ऐसे थे कि मैं वीडियो नहीं ले पाया आपके लिए। तो गाइस आज हम NS 125 पे वीडियो लेके आने वाले हैं, मतलब लेके आए हैं आपके लिए। तो इसमें आज हम जो है, आपने थंबनेल देख के आपको पता लग गया होगा कि आज हम इसमें जो है व्हील कप मॉडिफिकेशन करने वाले हैं। तो वो वाली मॉडिफिकेशन जो है हमने अपनी रानी में भी कर रखी है, बट उसका ब्लॉग मैं नहीं बना पाया था क्योंकि उस टाइम हमारे पास टाइम नहीं था। तो आज हम इसमें मॉडिफिकेशन करेंगे, तो सेम जैसे हम इसमें करेंगे उसी तरह हमने अपनी रानी में भी कर रखी है। तो मैं आपको वो चीज़ दिखा दूँ। तो गाइस ये कुछ हमने एल्युमिनियम वाले ब्रदर से बोर्ड वगैरह खरीद रखे हैं, देख सकते हो। तो ये बोर्ड हम कट करेंगे सही से टायर के साइज़ के, और इनसे आज व्हील कप बनाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की प्रोसेस। तो गाइस देख सकते हो ये रही हमारी NS 125। तो रियर टायर में हम जो है व्हील का मॉडिफिकेशन करने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें इसके रियर टायर को खोलना पड़ेगा। तो अभी जल्दी से टूल लाते हैं और इसको खोलते हैं। तो करते हैं अपने प्रोसेस स्टार्ट। तो गाइस अभी हम इसके टायर को बाहर निकाल रहे हैं। तो गाइस देख सकते हो ये अभी हमने इसका पूरा चेन सेट वगैरह ये पूरा खोल दिया है। तो इधर हमने इसका ड्रम भी बाहर निकाल दिया। तो गाइस देख सकते हो ये हमारा टायर जो है बाहर आ चुका है। अब जल्दी से इसका साइज लेते हैं और इसके साइज का काटते हैं। तो गाइस देख सकते हो ये हमने इस बोर्ड पे जो है पूरा इसका टायर का नाप ले लिया है, कितना हमारा टायर है। तो ये हमने डिवाइडर से पूरा इसको नापा। तो अब इसके बाद इसकी कटिंग कर रहे हैं, तो हम एक्सेलरेट से इसकी कटिंग करेंगे। तो चलिए इसकी कटिंग करते हैं जल्दी से। A few moments later. तो गाइस ये देखते हो एक साइड का पूरा कट करके तैयार हो चुका है, और इसको कट करने के बाद हमने दूसरे बोर्ड पे भी इस टायर के पूरे निशान लगा लिए है। अब हमें इसको काटना बहुत ही आसान है। A few moments later. So finally guys, हमारा व्हील कवर जो है कट करके पूरा रेडी हो चुका है। तो अभी इसमें सिर्फ कलर करवाने के लिए बचता है, तो चलिए चलते हैं शॉप पे। तो गाइस देखते हो ये अभी ब्लैक कलर करवा रहे हैं हम व्हील कवर में बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। तो इसमें हम कुछ भी और नहीं लिखवाने वाले हैं। तो गाइस ये सब होने के बाद देखते हो ये हम इसमें होल करने वाले हैं। तो इसमें दोनों जो भी हमने कवर बनाए उनमें होल करेंगे और नट बोल्ट के साथ इसको जोड़ेंगे सही से, ताकि ये सही से खुले ना। तो अभी ये हमने व्हील कवर इसमें लगा दिया है, तो इसमें नट बोल्ट लगाने के लिए बचे हैं। तो जल्दी से नट बोल्ट इसके साथ लगाते हैं और जल्दी से बाइक के साथ टायर को लगाते हैं फिर। सो लास्ट में गाइस पूरा व्हील कप जो है रेडी होने के बाद हम टायर को बाइक के साथ फिट कर रहे हैं। तो जल्दी से इसको फिट करते हैं और ख़त्म करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। तो गाइस जैसा कि आपने देखा हमारी बाइक की टोटल जो टायर की मॉडिफिकेशन थी वो कंप्लीट हो चुकी है, और अब हमारी बाइक की लुक कैसी निकल के आई है वो मैं आपको दिखाता हूँ, और साथ में लास्ट में अपनी रानी की लुक भी दिखाते हैं आपको, जो मैं एक वीडियो में नहीं दिखा पाया था। तो चलिए जल्दी से दिखाते हैं आपको। तो गाइस ये रही अपनी दोनों बाइक्स और अपनी रानी का ये देख सकते हो व्हील कप। इसमें हमने अपने चैनल का नेम वगैरह और इस साइड ऐसे टैटू सा लिखवा रखा है, बनवा रखा है। और ये रही NS 125। इसमें जो है मटेरियल हमने अलग यूज़ किया है, जिससे हमने मतलब व्हील कप बनाया है, और उस वाली में टिन का यूज़ हुआ है अपनी रानी में, और इसमें जो है एल्युमिनियम प्लास्टिक का यूज़ हुआ है। तो गाइस ये रही अपनी बाइक्स, और कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताओ व्हील कप कैसे लगे, और कुछ अगर और कोई इशू होगा आपको मतलब कुछ पता नहीं लग रहा होगा तो आप पूछ सकते हो हमसे कमेंट करके। तो बाकी एंड करते हैं अपनी आज की इस यूट्यूब वीडियो का। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को करो लाइक और करो कमेंट, और चैनल को करो सब्सक्राइब। ओके गाइस बाय बाय।